हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। आपसे स्वागत है मेरे गुरु चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इसी के अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जिस पर आपका जो चार्जर है वो इस तरीके से स्मोक इसमें आ जाता है। स्मोक बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप इसे चार्ज करते हो तो ये ऑटोमेटिक इसमें धुआं निकलने लगता है। उसमें क्या प्रॉब्लम रहता है तो देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो इस तरीके की जो चार्जर होती है, जो कनेक्टर होती है, उसे हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, जो अभी आपने देखा वो मैंने आपको टेस्ट करके पहले दिखा दिया। तो इसमें क्या हुआ था वो आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैं चार्जर को लगा रहा हूँ और चार्जर को लगाने के बाद ये देखिए, लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आप किस तरीके से दूर करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसे चार्जर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आप चाहो तो स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हो या इस तरीके की जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिक स्विच को चेक करने के लिए जो टेस्टर आती है उसकी हेल्प से भी खोल सकते हो, क्योंकि इस पर कोई भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। अभी जो आपने सबसे शुरू में जो वीडियो देखा उस पर आपको स्मोक भी दिखा होगा, कोई डिटेट नहीं है। अभी आपको लास्ट में वो फिर से दिखने वाला है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम था वो भी आपको साथ में बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे सर्किट लगे हुए हैं। जैसे शुरू में आपने देखा तो उसमें रेजिस्टेंस चला गया था, लेकिन इसमें बड़ा रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमें तो मल्टीमीटर से सभी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांसफार्मर जो हमारा है उन सभी को चेक कर लेना है। जब सभी अच्छी तरह से चेक हो जाएगी तो आप समझ लीजिएगा यह 100% वर्किंग में है। तो अब हम क्या करेंगे, डायोड को चेक करेंगे। देखिए, डायोड जो है, डायोड भी अच्छा खासा है, बाकी भी सभी ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और मैं इसे शॉर्ट बनाने के लिए मैं कुछ कुछ चेक करूँगा। अब मैं जो बड़ा वाला रजिस्टेंस है उसे भी चेक करता हूँ। देखिए, जो ये बड़ा वाला रजिस्टेंस है उस पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम सिंपली कोई भी चार्जर को रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है उसे रिमूव कर देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए आपको देखिए, इसमें से कलर कोड इसमें दिया गया है रेड रेड और ये सिल्वर सिल्वर, मतलब डबल रेड है और डबल सिल्वर कलर का इसमें पेंट किया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम इसे किस तरीके से चेंज करें। तो हमारे पास एक और पुराना सर्किट है जिस पर देखिए, यहाँ पर वही रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का लगा हुआ है। रेड रेड की वैल्यू लगा, आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर जाइए, गूगल पर आप इस कलर कोड को टाइप कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है रेजिस्टेंस का पूरा सेट जिस पर हमें हर तरह की रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका तो लिंक दे दूंगा। तो मेरे पास ये वाली रेजिस्टेंस तो नहीं थी जो ये ख़राब हुआ था। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसकी जो कलर कोड है मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आप इसे कहीं से भी बाय कर सकते हो या लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हो जहाँ पर टीवी रिपेयर होती है। तो यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस को मैं लगा करके चेक करके देखता हूँ कि ये वर्क करेगा कि नहीं, जिसमें ट्रिपल रेड कलर इसमें प्रिंटेड है और एक सिल्वर है। तो इसे लगाने के बाद क्या होगा, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, अभी मैं फिर से आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो इसे मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, कट कर दूंगा जो हमारे बाकी की जो लेग है और जो एसी करंट है उसे भी मैं इसमें वापस से लगा दे रहा हूँ। अब इसे हम पैक करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि अब ये वर्क कर रहा है या नहीं। फाइनली हमने तो इसे पैक कर लिया। अब मैं आपके सामने टेस्ट करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी इसमें आवाज़ आई है जो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो क्या हुआ, चलिए अब इसे से खोल के देखते हैं, देखते क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पर मैं चार्जर को ओपन करता हूँ और सामने हमारा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने का मतलब ये है कि जो हमारा जो सर्किट है वो फिर से खराब हो गया। तो इसका यही कारण है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर साफ साफ स्मोक भी निकल रहा है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये फिर से खराब हो चुका है। और इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, जो हमारा जो रेजिस्टेंस था
वही पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। देखिए मैंने थोड़ी देर ही रखा था और ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया। तो आप इसे जो वैल्यू है आप उसे ही लगा करके रख सकते हो। मैं आपको इसे डिटेल से समझा दूँ तो मैं आपको क्या करूँगा, सिंपली हमारा जो आरके न्यू अपडेट चैनल है उस पर जाइए, आपको वहाँ पर पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगी पूरी वीडियो। अगर आपको फिर भी अगर समझ नहीं आया तो वहाँ पर जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेगा किसी और वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।